एक इन्होंने बोटानो कॉन्फ्रेंस का यहाँ एप्लीकेशन दी थी, उस एप्लीकेशन का प्रॉपर तरीके के साथ इन्होंने उसको नहीं दिया था और उसके ऊपर ही मैंने हॉनरेबल कोर्ट से जाके अपने एडवोकेट साहब से बात करके वो एक स्टेटस को का स्टे ले आया हूँ और आज यहाँ डिप्टी कमिश्नर और अपने सीईओ को वहाँ दे दिया है। तो अब स्टेटस को रहेगा अगली तारीख तक, आओ मैडम बैठे। इस स्टेटस को के अकॉर्डिंगली क्या होगा, 4/8/2021 की जिस तरह से डेट दी है तो उसके बाद से दोबारा नो कॉन्फिडेंस मोशन ये पेश करेंगे? अब कोर्ट फैसला करेगी क्या है, इनका रिकॉर्ड मंगवाया है उन्होंने, अब कोर्ट फैसला करेगी, ऑनरेबल कोर्ट फैसला करेगी उसके, हमें कोई दिक्कत नहीं। अभी मसला कोर्ट में जा चुका है? बिल्कुल। मतलब अब म्यूनसिपल काउंसिल और सीईओ कठुआ का इसके बीच में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, कुछ हमारे साथियों ने किया था, हमारे साथी हैं इस हाउस के और कठुआ की जनता ने चुन के भेजा था, तो आज उनको कोई, मेरे भाई हैं वो भी, मेरे से बड़ा कोई नहीं है उनमें से, छोटे हैं तो भाई हैं, कोई सारे लोग ख़राब नहीं है, दो चार लोग हैं जो प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, दो चार लोग हैं जो वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, वो पार्टी के मैंडेट के ऊपर जीते थे, पार्टी हाई कमांड के ऊपर आगे बात रखते हैं, सारे वहाँ बैठते हैं, तो मैं कौन सा परमानेंट यहाँ बैठने वाला हूँ, किसी की बाप की जगीर तो है नहीं। पार्टी मुझे कहती मैं इस्तीफा दे देता, जो चाहता था जिसको वो बनाना चाहते थे बना लेते, लेकिन इन्होंने जो अपोजिशन वाले लोग हैं उनके साथ मिल के ये वोट आउट काउंट दिए थे, इसके ऊपर पार्टी भी थोड़ी सीरियस है, तो मैं फिर भी कहता हूँ अपनी पार्टी के अंदर ही आए बैठ के मीटिंग करेंगे, कोई गिले शिकवे दूर करेंगे और पार्टी जो फैसला करेगी वो हमें मंजूर होगा। धन्यवाद।